मेरा भाई और मेरे सिस्टर दोनों घर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस थाने के सामने 20 मीटर की दूरी पर एक राजेंद्र यादव और दो तीन साथी थे, उन्होंने मेरे सिस्टर पर हमला किया और धारदार हथियारों से उनका पूरा सिर पर और गन से भी फायरिंग करी और मंगर में है ना रीढ़ की हड्डी में गोली लगी। उसके दो गोलियां लगी हैं, एक तो यहाँ से छिलके चल गई थी और एक अंदर घुस गई और पूरा सिर है ना पूरा फट गया। ये हमलावरों ने एक बच्ची के ऊपर हमला किया है, महिला के ऊपर जो अपने ब्रदर के साथ भाई के साथ लौट रही थी परागपुरा में। उसकी गंभीरता को देखते हुए जो इंजर्ड महिला हैं उन्हें एडमिट किया गया है SMS में। वहाँ पर एक पुलिस टीम तैनात है जिन्होंने उपचार के दौरान वहाँ रहे हैं। भजन राज में चुस्त दुरुस्त हुई कानून व्यवस्था का एक और नमूना देख लीजिए, और नमूना भी ऐसा कि देखकर आप थर्रा उठेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा दावा करते हैं कि उनकी सरकार राजस्थान के अपराधियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, लेकिन हकीकत में इससे ठीक उलट राजस्थान के अपराधी लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। और जब राजधानी में ही ऐसी घटनाएं हो तो क्या ही कहने। आपको बताएं कि जयपुर से अलग होकर बने नए जिले कोटपुतली बहरोड में एक लड़की अपने भाई के साथ स्कूटी से जा रही थी कि तभी रास्ते में आते हैं तीन लड़के, जिनमें से एक ने इस लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया था। इससे पहले कि लड़की और उसके भाई कुछ समझ पाते, वो लड़के इन पर हमला कर देते हैं, और हमला भी ऐसा कि ये लड़की आज जयपुर के SMS में जिंदगी से जंग लड़ रही है। मेरा भाई और मेरे सिस्टर दोनों घर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस थाने के सामने 20 मीटर की दूरी पर एक राजेंद्र यादव और दो तीन साथी थे, उन्होंने मेरे सिस्टर पर हमला किया और धारदार हथियारों से उनका पूरा सिर पर और गन से भी फायरिंग करी और मंगर में है ना रीढ़ की हड्डी में गोली लगी। उसके दो गोलियां लगी हैं, एक तो यहाँ से छिलके चल गई थी और एक अंदर घुस गई और पूरा सिर है ना पूरा फट गया। पुराना केस चल रहा था, उससे उसने यानी ब्लैकमेल करके उससे गलत काम किया था, उससे दुष्कर्म करा था, तो उसका केस चल रहा था और 28 तारीख की तारीख थी उसकी कोर्ट में, और बार बार में जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद में भी है ना उसको कोई एक्शन नहीं हो। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि आरोपी लड़का पहले लड़की को गोली मारता है, फिर उस पर गड़ासे से कई वार करता है। इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी है राजेंद्र यादव, जिसने अपने साथी महिपाल और राहुल गुर्जर के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी बात ये भी है कि पुलिस ने राजेंद्र के दोनों साथियों को तो पकड़ लिया, मगर वो खुद पुलिस की पहुंच से दूर था। कल की ये जो घटना है जिसमें ये हमलावरों ने एक बच्ची के ऊपर हमला किया है, महिला के ऊपर जो अपने ब्रदर के साथ भाई के साथ लौट रही थी परागपुरा में, उसकी गंभीरता को देखते हुए जो इंजर्ड महिला हैं उन्हें एडमिट किया गया है SMS में। वहाँ पर एक पुलिस टीम तैनात है जिन्होंने उपचार के दौरान वहाँ रहे हैं। विशेष दल गठित किए गए थे और मौका निरीक्षण हम सब द्वारा किया गया। इसमें सफलता मिली है जो FIR में नामजद एक हमलावर है, जिसके ऊपर की जो महिला हैं उनके ब्रदर के द्वारा जो ये FIR दर्ज की गई थी उसको मैं हथियार दस्तयाब कर लिया गया है। साथ में इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और उसका जो चालक था इनको भी कर लिया गया है। अब बड़ी खबर है कि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव, जिसने लड़की को गोली मारी और गड़ासे से हमला किया, उसने जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की है और उसके दोनों पैर कट चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने उसे जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। अब जाहिर है ये मामला ऐसा है कि राजस्थान पुलिस और प्रशासन इसे हल्के में नहीं ले सकता, वो भी तब जब ये पूरी वारदात पुलिस थाने से 50 मीटर की दूरी पर हुई है। यही कारण है कि पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन में है। 24 घंटे के अंदर दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और तीसरा आरोपी राजेंद्र यादव तो खुद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन अब वो भी उसी पीड़िता की तरह
जयपुर के SMS में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। कोटपुतली बहरोड़ से विक्रांत गुप्ता और जयपुर से देवांकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।